Brought to you by Techno Camon 30 Series. ये फिलहाल तो मैं इस वक्त एयरपोर्ट खड़ा हूँ। बड़े लंबे वक्त के बाद इंडियन टीम फाइनली जो है वो बारबाडोस से निकल भी चुकी थी और दिल्ली पहुँच भी गई है। मेरे पीछे और मेरे साथ बहुत सारा सामान भी है, ये किसी खिलाड़ी का नहीं है पर सामान कुछ ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे लगेज, दो तीन लगेज भी हैं, ये हैं किसके, मैं बस ये चेक कर रहा था। पर ये कोई जाने पहचाने शख्स मुझे दिख रहे हैं, बस थोड़े टैनिंग ज़्यादा हो गई है ऐसा लग रहा है। यार आप देखिए, विक निक के साथ आज इन लोगों ने मुझे कहा है कि आप भी शिरकत कीजिए विक निक में, आइए तो आइए जीत का जश्न। हाँ अच्छा, एक चीज है, मैं सबसे पहला ये सवाल है क्योंकि बहुत लोग मुश्किल है तो निखिल से पूछो। नहीं मुश्किल कुछ नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगा मैं जो मुश्किल की बात कर रहे हो। ये देखो है ना, ये कैसे करवाया, फर्क देखो। हाँ हाँ देख लिया हमने, निखिल जो है हमारे वो मतलब उनको हम अक्सर गोरों में गिनते हैं, मतलब एक्चुअली वही वाले गोरे क्योंकि बात ये अमेरिका तक गोरे जैसे मैं वेस्ट इंडीज गया क्योंकि बात भी उसी जैसा देश वैसा में उन अल्फाजों में और उस क्या बोलते हैं प्रोनंसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई साहब, घोड़े खुल गए उच्चारण उच्चारण वैसे सबके वहां पे घोड़े खुल गए। बट क्या यार जून का महीना रहा, अब तो जुलाई शुरू हो गई है, वर्ल्ड कप जीता कितने दिन हो गए ना। आपको एक चीज ऐसा लग रहा है, अच्छा जब आप लोग यहाँ लैंड करे, आप लोगों ने आप लोगों को लगा नहीं यार वहां से उड़े थे तब भी बारिश हो रही थी, यहाँ पहुंचे तब भी बारिश हो रही है। वहां से उड़े थे 5 बजे, यहाँ पे उड़े लैंड किए 6 बजे, वहां पे सुबह 5 बजे उड़े, यहाँ पे सुबह 6 बजे लैंड हुए, एक घंटे में पहुंचे, बस एक दिन का फर्क। अच्छा बस एक चीज है, क्योंकि आप टीम की उसी फ्लाइट में आए थे, फ्लाइट के बारे में पूछे। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि तस्वीरें आपने तस्वीरें वगैरह भी खिंचवाई होंगी, बहुत कुछ है। नहीं हमने और, अच्छा निखिल का मैं आपको बता दूं, एक मैंने दो ही तस्वीरें खींची हैं, वैसे तो 10-10, 12-12 फोटो की स्कोप था। एक मेरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ जो BCCI मीडिया जो हेड है गौरव सक्सेना, उनका बड़ा एक जेस्चर था, उन्होंने कहा सबको वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचाइए। मीडिया हेड नहीं है वो, क्रिकेट ऑपरेशंस के हेड हैं। सॉरी गौरव यार, सॉरी गौरव, सीनियर क्रिकेट वो। लेकिन भाई BCCI का इंतजाम, राहुल आपको पता है कि हम जब फंसे हैं ना तो फंसे हैं, और जिस दिन हम फंसे हैं तब हरिकेन आया नहीं था, मतलब तब पता नहीं था क्या होगा। उस वक्त बोर्ड सेक्रेटरी थे जय शाह, उन्होंने हमने उनको नहीं उस दिन उनको उन्होंने उन्होंने उनको हमने कहा तो उनको हमने कहा कि ऐसे ऐसे है, उन्होंने कहा फटाफट से लिस्ट बनाएं, और विद इन मिनट्स राहुल उन्होंने ना सिर्फ मीडिया बल्कि जैसे अंबाती रायडू उनकी फ्लाइट नहीं थी, उन्होंने कहा आप भी आओ, जो आना गया वो सब कमेंटेटर्स सारे के अलावा भी बाकी कमेंटेटर्स तो समय होते ही निकल गए वहां से। मतलब आपकी जेब में अगर इंडियन पासपोर्ट है तो आप उस फ्लाइट में बैठ सकते थे। बिल्कुल, चलो वो सब छोड़ दीजिए, मुझे आप ये बताइए फोटो कि जो दो फोटो है मेरी कौन कौन सी है। यार देखो एक तो मैंने ट्वीट कर दी है, ये कौन सा फोन है, ये अपना फोन है और कौन सा फोन है, देखिए ना यार, एक फोटो मैंने अभी अभी ट्वीट की है ये वाली। अच्छा ठीक है, एक मैंने वीडियो बनाया इसका, वो 1 सेकंड वाली रील बनानी है। अच्छा, और ये फोटो यार पता नहीं बताओ ये क्या यार, क्यों नहीं यार, यार दो फोटो ली है, एक जसप्रीत बुमराह के साथ और एक ट्रॉफी के साथ। वेरी नाइस, मैंने तो हार्दिक पांड्या के साथ, अब मेरी कप के साथ जो फोटो है ना वो हार्दिक पांड्या ने खींची, उसका वो है बिहाइंड द सीन जो था वो। आप उनको क्रेडिट देंगे? बिल्कुल दूंगा, मैंने उनको कहा कि क्रेडिट, हाँ ये भी मैंने भी कराया भाई, मैं भी दिखाऊंगा। कौन और इनका मैंने कराया तो दीजिए। कप्तान रोहित शर्मा, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा ने ICC की एक्रेडिटेशन पे मेरी और निखिल की दोनों के ऑटोग्राफ दिया है। मैंने याद दिलाया, सो रहे थे, मैंने कहा जल्दी निकालो एक्रेडिटेशन यार। नहीं ये देखिए मैं तो देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता एक बात बता दूं, तो निखिल ने किताब लिखी थी कुछ वक्त पहले 83 पे, वो किताब थी 1983, आई एम श्योर वो वर्ल्ड कप आपने कवर नहीं करा होगा, पर आप करते भी ना वो वर्ल्ड कप, तो आप इस वर्ल्ड कप को जो आपने कवर किया इससे आप बेहतर बुक निकाल पाएंगे। मैं तो जो एक्सपीरियंस मैंने अभी वो बताया, जो हम इतने ब्लेस्ड हैं, एक तो हमने वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा, दूसरा हमने वो जो बैरल जो आया साइक्लोन जिससे टीम को 3-4 दिन रुकना पड़ा वो देखा,
तीसरी जो हमारी जद्दोजहद थी फ्लाइट लेने की और टीम के साथ हमें उस फ्लाइट में चढ़ने का मौका मिला, वो ट्रॉफी को उठाने का मौका मिला। और एक चीज़ मैं यूजी चैल ने मुझे कही, मेरे जहन में रहेगी, मैंने कहा, हम बात कर रहे थे फ्लाइट में उनके साथ भी, तो उन्होंने कहा कि यार यूजी चहल आप वर्ल्ड चैंपियन हो, देखो किस्मत कहाँ, आप एक साल बाहर थे बाहर। उन्होंने बोला मैं वर्ल्ड चैंपियन नहीं हूँ, आप भी वर्ल्ड चैंपियन हो, पूरा हिंदुस्तान इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है, आप भी वर्ल्ड चैंपियन हो। सही बात, यार दिल को छू गई वो बात, बहुत बड़ी बात, सब वर्ल्ड चैंपियन। वाह क्या बात कही है। और मैं बताऊं राहुल, फ्लाइट में 16 घंटे जो भी हैं, द प्लेयर्स वर ह्यूमन जस्ट लाइक मी एंड यू। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे यूनिवर्सिटी की टीम जाती है ना, एक दूसरे के साथ मजाक करती है, ये उस मोड में थी। और दो देखो सेंट्रल फिगर्स रहे हैं इस वर्ल्ड कप जीतने में, एक रोहित शर्मा कप्तान, एक विराट कोहली। ठीक है, परफॉर्मेंस सूर्या की भी आई, बुमराह की भी आई, मैं सेंट्रल फिगर कहता हूँ, मतलब सेंट्रल फिगर का मतलब है बेसिस जहां पर होते हैं, इर्द गिर्द टीम घूमी है। विराट के रन्स नहीं आए, विराट के फाइनल में रन्स आए। अंबाती राडू ने बड़ी अच्छी बात बोली लेकिन विराट के लिए, उन्होंने कहा कि उनके रन्स नहीं भी जब आए ना, इवन देन ये विराट का 200% सिंसियर एफर्ट दिखता था कि जो टीम का DNA है उसके हिसाब से बैटिंग करना, कि मैं आउट भी हो रहा हूँ, अपनी मेरी रेपुटेशन नहीं भी है यार, मैं मतलब नहीं मेरे रन बन रहे हैं, डजंट मैटर, आई विल ओनली प्ले जो मुझे टीम ने उस तरह से खेलने के लिए कहा। सही है, मैंने कॉलम में भी लिखा है, तो आप पढ़ सकते हैं। आपने अंबाती कहाँ पे आएगी कॉलम? इंडिया टुडे पे। ओह अच्छा, चैनल पे, मैगजीन, तुम बोली है ना इंडिया टुडे मैगजीन, यही चीज लिखी है विराट कोहली के बारे में। वेरी गुड। और अंबाती राइडू से आपने ये नहीं पूछा कि विराट कोहली का तो ठीक है जब वो इंडियन जर्सी पहन रहे हैं, जब वो RCB जर्सी में होते इतनी खिंचाई क्यों करते हैं? आपको पता है मैंने जब कप उठाया, इनसे पूछिए, जब सबने देखा मैंने कप उठाया, ये ट्रॉफी है वो, हाँ जो ट्रॉफी था जो हमने 83 में ट्रॉफी उठाई, तो मैंने पता क्या बोला है इनसे पूछे, सब हंसे, मैंने जैसे मैंने ट्रॉफी उठाई मैंने कहा ए साला कप नाम दे, वही मेरा टाइटल है उसका, मैं वही डालूंगा। लेकिन अंबाती राइडू ने एक और बड़ी दिलचस्प बात की जब हम उनके साथ चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, ये नहीं कि इंडियन हूँ टीम ने जीता, उन्होंने कहा ना लगातार हीरो चाहिए। अब आप वही 2007 के हीरो लेके चलते हो या एक टाइम पे 83 के हीरो लेके चलते हो, उन्होंने कहा इंडियन क्रिकेट के लिए लगातार हीरो आते रहने चाहिए, तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक नए हीरो आए हैं। उन्होंने कहा अब आप रोहित शर्मा की तुलना करेंगे कपिल देव और MS धोनी के साथ, उन्होंने वो किया। और तीसरी बात उन्होंने कही जो सनी भाई ने भी कही थी कि अब आप देखना ये टीम ना अब रुकेगी नहीं, अब बहुत टाइटल चीज। अब हम बात वही कर रहे थे, मेंटल ब्लॉक होता है जो हमारा इतने सालों से चलता आ रहा था, आई थिंक इस ट्रॉफी ने वो मेंटल ब्लॉक किया। अब ये पूछिए विक निक में इस बार इन्होंने क्या कुछ खिलाया और क्या कुछ खाया, इनसे ये पूछिए ना, आपने क्या खिलाया और क्या पिलाया? नहीं सबसे पहले तो हमने पूरे ट्रिप में इंडियन खाना एक दिन खाया, समंदरों के आसपास तो आप रहते थे, नहीं वो ट्रिप की बात कर रहा हूँ, फ्लाइट ले लेते हो नहीं, 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 ट्रिप नहीं, नहीं, नहीं रहते, समंदरों के पास नहीं खाया। सबसे महंगा खाना हमने इंडियन वही खाया, एक ही दिन खाया, बाकी दिन हमने जो भी लोकल खाना जो भी मिला, किसी दिन चाइनीज खा लिया, किसी दिन लोकल क्यूजीन जो है वो हमने खाई। वो एयर इंडिया की फ्लाइट में जब बैठे, अब एक तो फ्लाइट वालों के लिए एयर इंडिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज बताऊंगा, एयर इंडिया का फ्लाइट का नंबर आपको पता है क्या है? AIC24WC, एक स्पेशल नंबर होता है ना फ्लाइट का, हर फ्लाइट का एक नंबर होता है, तो इसको नहीं 20 नहीं दे, सिर्फ 24WC, तो इसका मतलब है एयर इंडिया चैंपियंस, नहीं एयर इंडिया चार्टर, सी लगता है चार्टर के लिए, हाँ एयर इंडिया चार्टर, पर गवर्नमेंट ने चेक नहीं किया वो है नहीं, क्योंकि मैंने ट्रैकर पे डाला हुआ था उसमें वही आया था 2024, हां 2024WC AIC 2024 WC। ये सब बातें बताया करो ना आप, यहाँ पे पता नहीं क्या खाया, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, मैंने तो बताया, डीजर पूछा हमने खुद, मैंने लाइव में बोला भाई अभी जो थोड़ी देर पहले जब मैं लगेज ले रहा था, खास उसको नाम दिया गया था फ्लाइट को, हमारा ख्याल रखा गया, और जो मतलब फ्लाइट के दौरान मैं बताऊंगा प्लेयर्स इतने रिलैक्स मूड में थे, रोहित शर्मा आए बहुत देर, उन्होंने बातें की हमारे साथ, उसके अलावा हार्दिक पांड्या आया, हार्दिक पांड्या से मैंने कहा कि यार आप मतलब आपकी करेज की दाद देता हूँ कि इतना जो आपके साथ हुआ, आप आए और आपने कम बैक किया और फिर जो आपने बॉल डाली यार लास्ट ओवर जो भी कहो 16 रन डाल रहे हो, यू डोंट वांट टू बी द पर्सन जिसने 16 रन दिला दिए एंड में, बाकी उससे पहले क्या किया? उन्होंने बोला पता क्यों ऐसे होता है मेरे साथ, क्योंकि ना बोलता है जब टफ सिचुएशन आती है दो तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं कि यार नहीं ये सिचुएशन है मैं थोड़ा बच जाता हूँ, मैं क्यों बनूँ वो बॉलर जो 16 खाएगा, आपके लिए भी फोन आ रहा है। एक दूसरा शख्स होता है, वो दूसरा शख्स क्या कहता है, नहीं यही तो मौका है हीरो बनने का, तो मैं दूसरा हूँ, जैसे चांस मिलता है कि यार ये मैं ले लेता हूँ हीरो बनूंगा, ठीक है ज़्यादा क्या होगा हार जाऊंगा,
वैसे ही बड़ी गालियां पड़ी। हार्दिक पांड्या ने वाकई यार ऐसा दिखाया, मतलब टर्न अराउंड जो होता है ना जिंदगी में और क्रिकेट में और क्रिकेट के जरिए बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मतलब ये लोग जिन्होंने अपने अर्शदीप सिंह जो स्टैचर से ऊपर गए, जिन्होंने मतलब और भी कमाल किया। तो एक काम करते हैं, फिलहाल ले लेते हैं इजाजत, अब हम ऑफिस से अगले दिन क्या हमारे अब क्या है, अब आप फ्लाइट में तो आ गए हो? नहीं, अब हम देखते हैं ना, आज तो मुंबई पर नजर रहेगी, उसके बाद फिर वो है। देखिए, और दर्शक जो है स्पोर्ट्स तक के वो कह रहे हैं उन्होंने सूर्य कुमार यादव को के इंटरव्यू को बहुत पसंद किया, कुछ और भी चाहते हैं तो ठीक है, कुछ पेश कीजिए। तो चलो डन है, फिर कुछ करेंगे। तो आप इंतजार कीजिए, आप कीजिए सब्सक्राइब और बताइए बचाइए क्या नोटिफिकेशन की घंटी। और राहुल जी विकनिक ये एपिसोड आप ही खत्म कीजिए, मतलब ये मुझे बताइए आप लोग लेकर क्या क्या आए हैं अपने साथ? चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कितनी चॉकलेट्स हैं, बहुत सारे। आप नंबर्स नंबर्स में लाए हैं क्या? बल्क में, बल्क में। मैं लिफाफों में लाया। चलिए एक काम करते हैं, विकनिक का आखिरी एपिसोड है, मतलब इस वर्ल्ड कप का, इस वर्ल्ड कप का। अरे नहीं, अरे इस वर्ल्ड कप का नहीं, अभी होगा 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 पक्का। अच्छा एक और बचा होगा ना, कोई कमिटमेंट है? हां कमिटमेंट हो गए। अच्छा नहीं, ये वो है। चलिए एक और है, फिलहाल यूजुअली आप देखते होंगे विकनिक जो है, विकनिक ही होस्ट करते हैं, आज इन्होंने कहा कि भाई आप भी आइए। आप आपका फोन तो है बरकरार? मेरा फोन है, तो बड़े दिन इनका फोन। पहले आप ये बताइए बाल ठीक लग रहे? बाल ठीक है, मैंने इसलिए इंस्पिरेशन का ये यूरोप चल रहा है इसलिए मन्नत मांगी, मन्नत मांगी थी हमने कि अगर ऐसा हुआ तो बाल कटवा लेंगे इंडियन टीम। हाँ यार आप लोग बड़ा फैन ही नहीं है और क्या, आप लोगों को दिखता है टैटू करवा दिया यार, ये देखो मन्नत मांगी थी बाल कटवा दिए। चलिए एक काम करते हैं, फिलहाल आपसे इजाजत ले लेते हैं और मिलते हैं। अब कहाँ से मिलेंगे हम? ऑफिस से ही मिलेंगे आप? हाँ 16 घंटे की यार फ्लाइट, 16 घंटे डायरेक्ट बारबाडोस। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी आलोचना हो रही थी तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। लोगों ने कहा कि भाई एक नॉर्मल फ्लाइट जानी थी न्यूयॉर्क से दिल्ली की, उसको आपने चेंज कर दिया, बट वो सच है, लेकिन उसके पीछे की कहानी आपको बताता हूँ। इंडिया के लिए सैन फ्रांसिस्को से एक फ़्लाइट आनी थी जो स्पेशल आनी थी और फिर इंडियन टीम को जाना था, उसमें टेक्निकल इश्यूज आ गए, तो आपको एक और फ्लाइट का क्यों अरेंज कराना था? आपके पास बारबाडोस में हम 3 दिन फंसे थे और एक सिर्फ 12 घंटे का पीरियड था जब आप निकल सकते थे, क्योंकि एक और साइक्लोन आ रहा था, एक और हरिकेन आ रहा था। तो उस अब आपने जो फ्लाइट मंगाई वो तो चली गई, ख़राब हो गई, अब आपको फटाफट कुछ करना था, तो एयर इंडिया ने कहा ठीक है जो नॉर्मल फ़्लाइट लानी थी वो आपने भेजी है, उससे कुछ लोगों को दिक्कत आई, लेकिन मैं कई लोगों का सोशल मीडिया में देख रहा था जो उस फ्लाइट में बुक भी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, आपने इंडियन टीम को, ये नहीं है कि आप वर्ल्ड चैंपियन को लेके आए हो, आप वर्ल्ड चैंपियंस को रेस्क्यू करके लाए हो। एग्जैक्टली मैं तो कह रहा हूं, रेस्क्यू ऑपरेशन था भाई, और वर्ल्ड कप चैंपियंस है, उसमें सपोर्ट स्टाफ है, फैमिलीज थे, छोटे छोटे बच्चे थे, मीडियाकर्मी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस टीम का हिस्सा नहीं थे वो भी आए यार, एक तरह का इवैक्यूएशन ही था ये, और 3 दिन बढ़ सकता था अगर आप ये 18 घंटे के पीरियड में फ्लाइट नहीं लेते, इसलिए एयर इंडिया ने वो वाला जो एयरक्राफ्ट था उसको यहाँ भेज के स्पेशल चार्टर करके भेजा है। चलिए काम करते हैं, यहाँ से तो निकलते हैं हम, यहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं सीधे ऑफिस की तरफ, आपको अब सीधे वहीं से मिलेंगे स्टूडियो से अपने, और मुंबई की तस्वीरें भी। ओए होए होए होए, मुंबई ओपन बस पर, मुंबई की तो देख ही लीजिए अब, बाय। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।